Weston. Yes. What gives us a G for it? It's a G. मैं मुझे मतलब अपन हर साल से तो नहीं, मुझे मैं ऐसे स्किल्स सिखाई जिससे मैं अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट कर सकूं। पहले तो बोल रहा हूँ चाहिए। मैं भी बोल रहा था मुझे आता। अच्छा तो 3 मिनट्स इंग्लिश, पहले तो तुम कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दो जो हमने पहले दिए थे, क्योंकि हमारी कंसिस्टेंसी है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उन्हीं चलो मुर्गा बनो आज से, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़े थे जल्दी बिल्कुल। अब आप बोलो 5 मिनट तक इंग्लिश बोलनी है। माय नेम इज ले पता फिंग पर मार माय मतलब ने भी समझ रहा है पर मार माय सिस्टर ने भी ले आ रहा है पर मार माय से लिटिल सिस्टर ने देती है ने पर मार माय विलेज पत्थर को अपना एड्रेस एड्रेस नहीं बोलना है, तुम्हें बोलना है अपने एंबिशंस के बारे में, हॉबीज के बारे में, तुम क्या माय हॉबीज इज या स्पोर्ट में I'm learning मतलब हिंदी वर्ड बोले कंप्लीट। My country is so beautiful in the world. My country is 7th largest India. My country is 2nd population country. My country is a 28 state. My state, 8 states. My hobby बस हिंदी वर्ड यूज़ मत करना, हिंदी वर्ड में eating, fooding, fooding होता है क्यों है आगे My ambitions. I am a billionaire. Billionaire. I am a YouTuber. So YouTube earn money. Please buy my subscription. Thank you for my subscription. Then tell the like. क्यों देने लगे बैठा। चलो अब क्वेश्चन का आंसर बताना, ये बताओ कि ऐसा क्या है जो खाया भी जाता है पिया भी है? खाया भी जा सकता है पिया भी जा सकता है। खाया भी जा सकता है और पिया भी जा सकता है। जेली टॉफी। जेली टॉफी पी कैसे जा सकती है? फिर वो पीने में भी आती है। कैसे पीने में आती है? टॉफी खाई वो कैसे अंदर चली जाएगी? फिर लिक्विड फॉर्म में वो तब तो हाँ सोचो खाई भी जा सकती है और पी भी जा सकती है। नमक क्या? नमक नमक खाया भी जाता है पिया भी जाता है। ऐसे ऐसे केवल नमक ली हूँ मैं और वो पी लूँ। पी लो पी लो वो भूल जाएगा ना? नहीं आपके मुंह में भूल जाएगा? ऐसे टॉफी क्या है तो कोई ये वो मुंह में दे रहा तो फिर भूल जाए। ऐसे लिक्विड में भी हो और ठोस भी हो पर बर्फ भी तुरंत थोड़ी चली जाए। मैम खाना पीना ये सब बात बने ना तो ये सही है लेकिन तुम इधर ऐसे ही हाथ ऊपर इधर जो खाया भी जा सके पिया भी जा सके वो है नारियल। हाँ कैसे? क्योंकि नारियल का पानी पिया जाता है। मैं तो सूखा नारियल लूंगा तो तुम्हें सांस नहीं लेगा पानी। वैसे नारियल का हमें सूखा या गीला ये क्या था? चलो ये बताओ तुम ये बताओ
बहुत ही आसान है। 25 यानी 25 × 25 कितना होता है? 25 × 25 कितना होता है? बस 25 × 25 दो पहले पहले 225 क्या 225। अच्छा ये बताओ कि ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? केले का पेड़। अच्छा ऐसा क्या है जो मतलब पूरी बॉडी में काफी अनयूजफुल है, ऐसा क्या है शरीर? बाल अनयूजफुल है। यूज क्या है इनका? एक यूज सिर को ढक के रखना। अच्छा तो ऐसे तो कोई चीज हम बताइए कुछ अक्लदार। आज के टाइम पे अक्लदार कई लोगों की नहीं आती है, उनका यूज हो जाए। अच्छा आपका मतलब दांतों से, दांतों का यूज नहीं? अक्लदार। अक्लदार यहाँ पे कोई नहीं जानता। कहाँ पे कोई नहीं जानता? यहाँ पे कोई नहीं जानता, सच में सब लोग जानते हैं। अच्छा ये बताओ कि आसमान का रंग नीला क्यों है? क्योंकि आसमान को वही रंग दिया जाता है, इस मुक्ति को दिया जाता है। गलत जवाब। आप तो समुद्र का नीला पानी है। समुद्र का पानी नीला नहीं, आकाश नीला है, इसलिए समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, यानी पानी का कोई रंग नहीं होता है, ये लॉजिक है। लेकिन आकाश पानी से कुछ कहीं से भी कहीं का कनेक्शन बना दो। वाह जल्दी से क्या तुम्हें मैंने बताया था कि क्या करना कि आकाश का रंग नीला क्यों है? देखो सात रंग है टोटल, उन सात में से जो हमारे हमारी आंखों से कुछ नहीं है उसका बैंगनी कलर का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसी वजह से हमें सब कुछ ब्लू दिखता है। ओके ये सब था। तो और नेक्स्ट है कि पेड़ों की पत्ते हरे क्यों होते हैं? हरे लवक के कारण। वाह वेरी गुड। दांत सफेद क्यों होते हैं? आपके तुम्हें पीले नहीं है। और तुम्हारे सफेद है? हाँ चलो तुम्हारे सफेद क्यों? क्योंकि मैं अच्छे से ब्रश करता हूँ। गलत। एनिमल वर्ण के कारण बाल काले क्यों होते हैं? मैं कुछ तो होंगे सफेद होते हैं तो काले होते हैं तभी तो सफेद हो जाते हैं। कोई चीज होगी जिसकी कमी की वजह से वो आई है। बचपन से ही चला दाल होते हैं दामिया, यानी कि उनमें बचपन से ही उस चीज की कमी। तो उस कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं ये पूछिए आप। ये तुम पूछते हैं क्यों होता? तो ये पूछूंगी तो यही ना कि क्यों होता है। जल्दी से बता। नहीं पता। अच्छा एक बार एक मिनट में दिल धड़कन है वो कितनी बार धड़कती है? मैं 120 से 70 से 120 के बीच। व्यस्त या स्वस्थ व्यक्ति? व्यस्त और स्वस्थ व्यक्ति का बात कर। अच्छा ये बताओ कि टीवी किस कारण से होता है? टीवी किस कारण से होता है? टीवी मनुष्यों की बुरी आदतों के कारण। गलत जवाब। क्यूर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्यूर बैक्टीरिया के कारण। क्यूर
अभी मैंने पूरा नाम बोला है, ट्यूबर बैक्टीरियम क्लोसिस है ऐसा कुछ। आगे बताओ कि संविधान का अनुच्छेद 20 क्या है। संविधान का अनुच्छेद 20 ये कहता है कि आप किसी के भी मतलब होने का अधिकार आपातकाल में ही मतलब जो ये चीजें ही बंद कर सकते हैं। मतलब आपके मौलिक आपातकाल का वर्णन है अनुच्छेद 20 में। वो तो भाई 352 से 60 में देखोगे क्या है अनुच्छेद 20 आपको मतलब कि दो सिद्धि के से संरक्षण देता है। मतलब पुलिस आई उसने तुम्हें हथकड़ियां लगाई और लेके चली गई तो तुम्हारे पास उस टाइम कुछ राइट्स होते हैं। कौन कौन से राइट? पहला राइट एक अपना वकील चुनना, एक कि एक ही पुलिस आपसे कुछ भी मंगवा ले उसको सख्त नहीं मानना, यानी कि खुद के खिलाफ गवाही ना दे। तुम खुद के खिलाफ गवाही मतलब वो तो निर्णय की बात है लेकिन तुम खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो कि हमने ये किया है। मतलब तुमसे कोई कहलवा नहीं सकता। दूसरा, एक ही तुमने एक गलती की तो उसके लिए तुम्हें बार बार सजा नहीं दी जाएगी, एक ही बार उस कानून के तहत तुम्हें सजा मिलेगी। तीसरा कि तुम्हें कोई पुराने कानून से सजा नहीं मिलेगी, वर्तमान में वो कानून है तभी सजा मिलेगी। तो ये है और साथ में और भी है कि चार मतलब नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर तुम्हें जैसा आपके सामने पेश करना होगा वरना तुम्हें रिहाई कर देना पड़ेगा। तुम पूछ सकते हो कि तुमने मुझे क्यों अरेस्ट किया, लेकिन एक दूसरी तरह की हिरासत में हिरासत भी होती है उसमें क्रिमिनल को नहीं बताया जाता है क्योंकि वहां पे उसने अपराध किया नहीं है लेकिन ऐसा लगता है लोगों को पुलिस को या प्रशासन को कि इस व्यक्ति की वजह से ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर। तो ऐसा ना हो इस वजह से क्या कराया जाता है उसको पहले से ही हिरासत में लिया जाता है, यानी कि उसको बंद कर दिया जाता है और वहां पे ना उसको वकील दिया जाता है ना 24 घंटे में कोर्ट के सामने ना कुछ। तो तुम्हारा ये सवाल ज्यादा तो इतना जरूरी था तुम्हारे लिए, कम से कम ऐसी चीजें तो पता होनी ही चाहिए ना कि जो तुम्हें काम की है। हाँ आगे बताओ, आंखें बंद करो, ये बताओ कि 18, 11, 12 कितने होते हैं? 18, 11, 12, 18, 11, 12, 13, 32, 18, 11, 12 कितने होते हैं 18, 11, 12 रुक जाना मैं घर की है मैडम। अब इतनी मार पड़ेगी अगर इस बार आंसर गलत मिला ना तो यार 41 हमने क्या पूछा था? वो बताओ क्या पूछा था? 18, 13, 18 अरे गधे, 80 मतलब 80, 90 मतलब 90 और 30 मतलब 30। 80 नहीं बोला था, 30 नहीं बोला, 80 हिंदी में बोला था, नहीं बोलता है तो आप वही का वही चेंज करते। अच्छा चेंज क्या किया है हमने? 30 हम ऐसा था बोला अगर 77, 88, 99
77